हेलो एवरीवन। तो आज हम अपने विनफॉर्म के नए लेक्चर के साथ मौजूद है, जिसके अंदर आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वो बेसिकली है टेबल लेआउट पैनल। अभी टेबल लेआउट पैनल हमारे पास क्यों यूज़ होता है तो अभी वो हम थोड़ी देर में देखेंगे। बेसिकली जब आपने देखा कि अभी तक जितना भी हमने जो फॉर्म्स वगैरह बनाए उसके अंदर जब हम लेआउट सेट कर रहे होते थे तो उसके अंदर हमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आती थी। तो जिस तरह से हमारे पास HTML के अंदर भी टेबल्स वगैरह मिलते हैं, ठीक है, टेबल्स के थ्रू जो है वो हम अपना जो है ना कंटेंट जो है वो बिल्कुल एक टेबलर स्ट्रक्चर के अंदर शो करवा सकते हैं, तो यहाँ पर भी हमारे पास एक टेबल लेआउट पैनल का कंट्रोल मिलता है, जिसके अंदर जिसको यूज़ करते हुए जो है ना हम एक अच्छा लेआउट क्रिएट कर सकते हैं फॉर्म्स के। तो यहाँ पर देखें, आपके पास एक टेबल लेआउट कंटेनर पैनल, ठीक है। अब ये जो टेबल लेआउट पैनल है ये बेसिकली आपके पास रोज़ और कॉलम्स क्रिएट करता है। अगर मैं इसको अभी बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, इसके पास अगर आप यहाँ से जाते हैं तो आपके पास ऑप्शन आ रहा है ऐड कॉलम, ऐड रो, रिमूव लास्ट कॉलम, रिमूव लास्ट रो, इस तरह के ऑप्शंस आ रहे हैं। तो मैं यहाँ से सपोज 2-3 ऐड कर लेता हूँ रोज़, ठीक है, ये रोज़ हमने ऐड कर ली। अब ये रोज़ जो है ना वो आपके पास इस तरह से भी आप इसकी जो विड्थ वगैरह है वो सेट कर सकते हैं, किस रो को कितनी विड्थ देनी है, किस कॉलम को कितनी विड्थ देनी है। यहाँ से अगर आप जाना चाहें तो यहाँ से इसकी जो है ना साइज़ वगैरह खुद जो है ना यहाँ से भी कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा भी आप अगर जाएँ तो डिज़ाइन व्यू भी आपको यहाँ से मिलता है एडिट रोज़ एंड कॉलम्स का। तो यहाँ से जाके आप देखें, अभी आपके पास क्या आ रहा है कि 2 कॉलम्स मेंबर शो कर रहा है और उनको क्या हुई है वैल्यूज़ आपने असाइन की हुई है परसेंट के अंदर, ठीक है। इसी तरह अगर मुझे रोज़ की वैल्यूज़ को सेट करना है, अभी आप देखेंगे 2 रोज़ जो है वो 50-50% ली हुई है उन्होंने, बाकी सब ने कुछ एब्सोल्यूट वैल्यू ली हुई है। मैं चाहता हूँ सब एक ही तरह से ना एक ही रो एक ही टाइप का जो है ना सेल लें और परसेंट साइन लें, तो हम यहाँ पर इन सबको एक साथ सेलेक्ट करके और इनको परसेंट दे देते हैं। सपोज हम बोल देते हैं 20% और इसको ओके करते हैं। तो अब आप देखें कि ये सब जितनी भी यहाँ पर रोज़ आ रही हैं वो सेम जो है ना आपके पास जो है ना वो विद और विद रह रही है, ठीक है, जिसकी वजह से उनका जो है ना आपके पास स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल सेम अच्छा लुक प्रोवाइड कर रहा है। अब यहाँ पर आके हम जो है ना इसका जो आपके पास विद है यानी कॉलम का जो हमने साइज़ है ना वो यहाँ पर आकर मेनटेन कर लिया है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ डमी एक लेआउट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो मैं एक लेबल ले लेता हूँ, तो यहाँ एक लेबल ले लेते हैं। अब ये लेबल देखें कहाँ चला गया, इस टॉप पे चला गया। अच्छा, इस लेबल के टेक्स्ट को मैं यहाँ पर आके कह देता हूँ कि नेम होगा आपके पास, ठीक है, और इसके टेक्स्ट को नेम कर देता हूँ। और इसका जो साइज़ है जो है ना वो फॉन्ट साइज़ थोड़ा सा हम इंक्रीज़ कर देते हैं और यहाँ पर दे देते हैं 12, ठीक है। और यहाँ पर आकर टेक्स्ट बॉक्स भी बना लेते हैं। तो अब देखें ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया, इस टेक्स्ट बॉक्स को थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं और थोड़ा सा जो कॉलम है उसको थोड़ा सा हम यहाँ ले जाते हैं, ठीक है। और अब देखें ये जो बने ये बेसिकली किस में बने, एक टेबल है, ठीक है, उसके रो आपने आपने एक टेबल है उसके अंदर 2 कॉलम्स बनाए, ठीक है। एक रो एक कॉलम के अंदर आप प्रॉपर्टी का नाम दे रहे हैं, ठीक है, कि आप उस क्या डेटा या क्या वैल्यू इंसर्ट कराना चाहते हैं टेक्स्ट बॉक्स में, और दूसरे कॉलम में आप जो है ना टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर आकर आप चाहें तो इसको कॉपी पेस्ट करके इसको हम कंट्रोल जी करते हैं कॉपी और ये पेस्ट कर दिया, इसी तरह से इसको कॉपी किया और इसको यहाँ पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर आके हम बोल देते हैं इसके टेक्स्ट पे बोल देते हैं कि हम यहाँ पर जो है ना पासवर्ड लेंगे। अब मसला देखें अभी क्या आ रहा है, अभी मसला ये आ रहा है कि ये जो है ना बिल्कुल टॉप कॉर्नर पे टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे ही आ रहा है। तो हमारे पास जैसे ही आप ये कंट्रोल टेबल के अंदर बनाते हैं तो आपको एक प्रॉपर्टी मिलती है एंकर की। अगर आप नीचे चले जाएंगे तो ये आपके पास एंकर की प्रॉपर्टी आ रही है। एंकर की प्रॉपर्टी से जो है ना आप ये बता सकते हैं कि आपको ये जो कंट्रोल है वो सेल के अंदर कहाँ पर शो कराना है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट टॉप और लेफ़्ट पे आ रहा है, यानी बिल्कुल टॉप पे और लेफ़्ट से बिल्कुल ये जो है ना उससे कॉर्नर से जुड़ा हुआ है। तो अब आप इसको चाहते हैं कि ये बिल्कुल सेंटर में आए, तो आप इन दोनों जो आपके पास प्रॉपर्टीज़ पे चेक हुआ है इसको हटा देंगे तो ये आपके पास सेंटर में आ जाएगा। तो अब देखें ये बिल्कुल नेम जो है आपके पास सेंटर में शो हो रहा है। सिमिलरली आप चाहते हैं कि जो आपका टेक्स्ट बॉक्स है और बाकी कंट्रोल्स है ये भी सेंटर में आए, तो फिर आप यहाँ से आके इसको सेलेक्ट करके सबको एक साथ और यहाँ से इनको सेंटर कर सकते हैं।
तो जैसे ही आप ये करेंगे तो आपके पास देखें ये बिल्कुल सेंटर में शो हो रहा है। अगर मैं अब आप उसको इसका आपको लुक दिखाऊं, अगर इसको हम रन करके देखें तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल एक आपको प्रॉपर लुक प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन क्या हो रहा है कि अभी आपका जो टेक्स्ट बॉक्स है ना वो बिल्कुल जिसकी सेंटर में आ रहा है, तो इसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा दूर है आपकी प्रॉपर्टी से। तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करें और इसके एंकर में जाकर आप इस तरह से कर लें कि ये जो है ना लेफ़्ट पे हो, लेफ़्ट से सेंटर में हो। तो अब ये क्या हो रहा है, लेफ़्ट से हुआ है लेकिन सेंटर में हुआ। इसी तरह आप अपने लेबल्स को सेंटर में शो कराना चाहते हैं लेकिन राइट से आप कराना चाहते हैं, तो आप एंकर में आकर इनको है ना राइट कर दें। तो जैसे अब आप जब इसको स्टार्ट करेंगे और रन करेंगे तो आप देखें अब ये जो है ना बिल्कुल आपके पास एक लेआउट शो कर रहे हैं और उसी लेआउट में आपके पास डिस्प्ले हो रहे हैं। यानी अगर आप इनके दरमियान गैप देखें और अगर आप नीचे एक बटन भी बनाएंगे तो इनके दरमियान और लेबल्स के दरमियान जो गैप आएगा वो बिल्कुल एक्यूरेट इस तरह एक जैसा जो गैप है ना वो आपको शो कर रहा होगा। अच्छा, मसला ये अभी थोड़ा सा एक इशू ये भी आ रहा है कि हमने जो है ना इसको विड्थ को क्या रख दिया था, रो ही ऐड कर देते हैं, कुछ रोज और ऐड कर देते हैं ताकि ये थोड़ा अच्छा लुक प्रोवाइड करे। यहाँ पर आकर रोज के अंदर आकर हम सिलेक्ट करके सबको 10% एलोकेट कर देते हैं। ठीक है, तो अगर अब हम इसको देखें तो आप देखें आप इसके दरमियान थोड़ा गैप जो है ना वो कम हो गया क्योंकि हमने रोज़ जो है ना ज़्यादा क्रिएट कर दिए, तो इनके दरमियान जो गैप है वो थोड़ा मिनिमम हो गया और अब ये आपको एक अच्छा जो है ना लेआउट प्रोवाइड कर रहा है और सब जो है ना बिल्कुल लेआउट की तरह शो हो रहे हैं, कोई कंट्रोल आगे या पीछे नहीं जा रहा। अब इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि आपके पास कुछ इस तरह का काम है, जब आप क्या चाहते हैं कि एक से ज़्यादा जो है ना कंट्रोल एक सेल के अंदर यूज़ करना चाहते हैं, जैसे आप समझिए कि अगर आप HTML में काम कर रहे हैं तो ये आप TD बना रहे हैं और ये जो आपके ना मतलब TD ये बना रहे हैं और ये TR बनी हुई है। अब आप एक TD के अंदर ना दो डेटा को यूज़ करना चाह रहे हैं तो वैसे तो इस टेबल लेआउट में ये पॉसिबल नहीं है। लेट सपोज अगर हम क्या करना चाहते हैं कि टेबल के सेल के अंदर हम जो है ना चेक बॉक्स यूज़ करना चाहते हैं, अब हमें यहाँ पर जो है ना वो दो चेक बॉक्स चाहिए होंगे अगर हम जेंडर की वैल्यू यहाँ पर शो करना चाहते हैं। तो अगर हम डायरेक्टली जो है ना रेडियो बटन एक से ज़्यादा दो यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करने की कोशिश करेंगे तो ये हमें अलाउ नहीं करेगा टेबल लेआउट। तो फिर उसको ओवरकम करने के लिए यहाँ पर हमारे पास एक कंट्रोल मिलता है पैनल। अब पैनल कंट्रोल जस्ट लाइक आपके पास जो है ना डिफ की तरह वर्क करता है, तो आप पैनल कंट्रोल को इसके सेल में यूज़ करके फिर जो है दो रेडियो बटन को यहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से दो रेडियो बटन यहाँ पर बना देता हूँ और रेडियो बटन ये आ गया और एक ही रेडियो बटन आपके पास ये आ गया और इस रेडियो बटन को हम बोल देते हैं इसके टेक्स्ट को हम जाकर इसके टेक्स्ट पर हम बोल देते हैं मेल और यहाँ से बोल देते हैं फीमेल। तो हमने क्या किया है कि अब यहाँ पर चेक बॉक्स भी बनाकर देख लिया है। अब हमारे पास अगला सिनेरियो ये है कि अगर हमारे पास एक बटन है, अब बटन यहाँ पर है ठीक है, अब ये बटन कहाँ पर आ रहा है, टॉप लेफ्ट पे आ रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब ये बटन मैं बनाऊँ, अगर मैंने ये बटन इस पूरे लेबल के सेल पे बना दिया, बोलते हैं कि इंसर्ट के बटन नाम दे देते हैं इसका इंसर्ट, अब मैं चाहता हूँ कि ये बटन जो है ना वो इधर आ रहा है लेकिन मैं चाहता हूँ ये बटन जो है ना वो पूरे यहाँ पर दो सेल्स कंज्यूम करें, तो फिर हमारे पास हमें प्रॉपर्टी मिलती है यहाँ पर कॉल स्पैन की। ठीक है, तो ये कॉल स्पेन क्या होता है, जिस तरह से HTML के अंदर हमारे पास कॉल स्पेन होता है कि अगर हम चाहते हैं कि एक जो आपके पास सेल है वो दो मर्ज हो जाए, यानी दो कॉलम आपस में मर्ज हो जाए, तो फिर आपको यहाँ पर कॉलम स्पेन यूज़ करना पड़ेगा। तो कॉल स्पेन को यूज़ करते हुए अगर आप चाहते हैं कि ये जो आपका कंट्रोल है ये दो कॉलम्स को कंज्यूम करे तो यहाँ पर आप 1 की जगह इसकी वैल्यू दे देंगे 2, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास दो इसको सेल पर आप यूज़ कर पाएंगे। तो देखें अब हम यहाँ पर इसको दो सेल्स पे यूज़ कर पा रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो है ना ये सेंटर में आए, तो फिर हम यहाँ की इसकी एंकर प्रॉपर्टी में जाकर
इसको सेंटर में कर देंगे। तो अब ये आप देखें, ये आपके पास सेंटर में डिस्प्ले हो रहा है। अब आप इसका साइज़ जिस तरह से बनाते जाएंगे, ये खुद ब खुद अपने हिसाब से जो है ना सेंटर करता जाएगा। और अगर अब हम जाके इसको डिस्प्ले करवाएंगे तो अब आप देख सकते हैं कि आपका जो फॉर्म है वो बिल्कुल सेंटराइज जो है ना, एक को बिल्कुल अच्छा लुक प्रोवाइड कर रहा है। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि आपके पास कोई ऐसा बटन है जो जो आपके पास दो रोज़ पे कंज्यूम होगा, तो फिर इसी तरह से आप ये भी कर सकते हैं कि आप क्या काम कर सकते हैं कि ये बटन बनाएं, ठीक है। और आप चाहते हैं कि ये दो रोज़ में आपके पास डिस्प्ले हो, तो फिर आपके पास रो स्पैन का भी यहाँ पर एट्रीब्यूट प्रॉपर्टी मिलती है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी रो स्पैन में हम दे देते हैं 2। तो जैसे ही हमने ये दिया तो आपके पास ये देखें बटन जो है ना, अब ये दो रो पे आप इसको बना सकते हैं। इसी तरह से सिमिलरली अगर आप चाहते हैं, जैसे कि अभी मैं इसको करके यहाँ पर थोड़ा सा इसके एंकर टैग को सेंटर कर देता हूँ, तो यहाँ जाके हम बोल देते हैं कि ये सेंटर में ही आए, तो यहाँ से इसको सेंटर करते हैं, तो अब ये सेंटर में शो हो रहा है। तो अगर हम इसको आप डिस्प्ले करवाएं तो आपके पास जो फॉर्म का लुक है कुछ इस तरह से प्रोवाइड हो रहा होगा। तो मैं यहाँ से इस कंट्रोल को ख़त्म कर देता हूँ और इसको सिंगल पे ही हम बना लेते हैं इस तरह से, कंट्रोल सी कर देते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास ये फॉर्म पे यही डेटा शो हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि फॉर्म का जो है ना वो कलर चेंज हो जाए, तो फॉर्म के साथ ये जो है ना हमारे पास टेबल लेआउट के साथ जो है ना टेबल लेआउट पैनल के साथ हमारे पास बैकग्राउंड कलर की जो है ना वो भी प्रॉपर्टी मिलती है, तो हम यहाँ से उसको यूज़ करते हुए इसका कलर भी जो है ना वो बना सकते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि फॉर्म जो है ना इसके सेल्स के अंदर हमारे पास बॉर्डर भी शो हो, तो वो हम इसका बॉर्डर भी जो है ना वो जो है ना वो भी सेट कर सकते हैं। तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी होती है सेल बॉर्डर स्टाइल। तो अभी अगर आप देखें तो सेल बॉर्डर स्टाइल में हुआ है नल, तो हमारे पास कुछ यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं जैसे कि सिंगल है, ठीक है। इसी तरह से आपके पास इनसेट है, तो ये कुछ प्रॉपर्टी हैं जो आप जिनकी मदद से आप ये बता सकते हैं कि आपको किस तरह का सेल के दरमियान बॉर्डर शो करवाना है। तो मैं यहाँ से आउटसाइड को यूज़ कर लेता हूँ और अब आपको इसका लुक दिखाता हूँ कि ये किस तरह से आपको लुक जो है वो प्रोवाइड करेगा। तो ये कुछ इस तरह का लुक जो है वो आपको प्रोवाइड करेगा। और अगर आप इसकी जगह जो है वो यूज़ करना चाहें, और अगर आपके पास इनसेट है, इनसेट डबल है, तो बेसिकली आप कुछ इस तरह के जो है ना ये आपके पास जो फॉर्म में डिस्प्ले हो रहे हैं, आप इस तरह से जो है ना बॉर्डर्स वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं अपने सेल्स के ऊपर। तो आज के लेक्चर में जो है वो हमने डिस्कस किया टेबल लेआउट पैनल। अगर आप अपनी एप्लीकेशन में टेबल जैसा लेआउट प्रोवाइड करना चाहते हैं तो तब आप इस कंट्रोल को जो है ना यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली फॉर्म्स के अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि एक कंसिस्टेंट लुक आपकी एप्लीकेशन में आए तो तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।